ये मारुक जैसी बहनें ना कभी अपने भाइयों का घर बसने नहीं देती, अपनी हुक्मरानी में उनको किसी की शिरकत गवारा नहीं होती। और तुम्हारी और अहमर की शादी में जो देर है ना, उसकी भी वजह सिर्फ और सिर्फ मारुख ही है। तुम देख लेना, किसी ना किसी बहाने से वो तुम्हारी शादी डिले करेगी। गॉड सेक मॉम, छोड़ दे मारुख बाजी का पीछा। अगर शादी में कोई डिले है तो वो हमारी खुद की वजह से। जब हमें कोई इशू नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन बहुत पछताओगी तुम। लिख के रख लो मेरी बात। आ गया है मेरा फोन। हेलो, महारानी जरा शादी के कामकाज में हाथ बटा दिया करो हमारा, हमारे हाल पे कुछ रहम कर लो। अम्मा मैं आपसे कह रही हूँ ये जोड़े जहेज में मत रखें, सब हमारा मजाक बनाएंगे। क्या हो गया? मेरे जहेज के इतने महंगे जोड़े हैं ये? वो तो शादी के कुछ अरसे बाद ही नीली की खुशखबरी मिल गई तो जिस्म जरा बेढंगा हो गया, वरना इसमें से कुछ तो मैंने पहने भी नहीं है अभी। अम्मा ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, अब तो ढोल बजाने वाले भी ये नहीं पहनते। बकवास न कर, हजार खर्चे हैं, वो तो ये महारानी खाली हाथ चली आई अपने बाप के सर पे, जो निवालों तक का हिसाब मांगते हैं। अभी तुम दोनों की शादियां करनी है मुझे तो घर से ही जहेज निकालूंगी ना। इफ्रा बाजी के लिए वो सब्ज बनारसी साड़ी जो पठान से आपने नीली के जहेज के लिए ली थी वो रख दे, और गुलाबी सितारों वाला फ्रॉक। चुप कर, जो जिसके लिए आता है ना वो उसी के लिए रखा जाता है। जी जी, आपकी अम्मा ने इफ्रा बाजी के नाम का जोड़ा आपके जहेज में रखा था। अम्मा क्या आऊंगी अम्मा? देखो मारो बुरा मत मनाना, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि तुम अपने भाई की शादी करना ही नहीं चाहते ताकि वो तुम्हारे इशारों पर नाचता रहे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे घर पर बरकरार रहे। किसने की है ये बकवास? लोगों ने